ओके हेलो मैसे वेलकम बैक टू माय चैनल तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखिए ना बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपके साथ अभी तक फिलहाल एक लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ होप आपने वो प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर देखा होगा बिकॉज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ चलेंगी तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसके अंदर हमने बात की थी एंजाइम पे और मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उस उसपे मैंने आपको बोला था कि ये जो एंजाइम है ना ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर आप एंजाइम के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स

और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट दोनों चीजें बोली जाती हैं ठीक है ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में भी बताई थी अभी भी आगे बात करने वाला है तो ये हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद जाके डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज केमिकल केतलिस्ट। केमिकल कैटलिस्ट कैटलिस्ट क्या होता है सारी चीजें पढ़ेंगे विद एक्सम्पल एंड सेम चीज करेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के साथ यानी कि क्या हो गया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब एंजाइम कैटलिस्ट एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो इनको हम डिफाइन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह एंड देन बाद में हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स पे ओके कि इतने पे बात खत्म नहीं करनी है इसके बाद अब आप एग्जाम में क्या लिखेंगे इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किनको केमिकल कैटलिस्ट को और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को दोनों को डिफरेंशियट करेंगे क्यों क्योंकि देखो ना दोनों तो आपके कैटलिस्ट हैं लेकिन इनके बाद कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट होगा जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग तरीके से टर्मोलॉजी दे रहे हैं तो हमने यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट करते हुए चलना है कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है और एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है या फिर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है अलग अलग रिस्पेक्ट में बात करेंगे डेफिनेशन के बेसिस पर टाइप के बेसिस पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे वेट के बेसिस पे एक्शन एफिशियंसी स्पेसिफिस

तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हमने पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है एग्जाम में आपने सेम आंसर करना है अब जस्ट सुनेगा क्या हम लोग यहाँ पर ओके अब जस्ट सुनिएगा मैं आपको क्लियर कराते हुए चलती हूँ तो सुनेगा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ओके देखो लेक्चर को स्टार्ट कैसे करना है जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहले आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे बोला एंजाइम कोई नई चीज नहीं है एंजाइम भी एक टाइप का क्या है कैटलिस्ट है बट एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है इसे आप बायो कैटलिस्ट कहते हैं यानी कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन में ही एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा जो की मैंने आपको लास्ट

और किसी रिएक्शन में आपने कोई कैटलिस्ट को ऐड कर दिया सपोज कैटलिस्ट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो किसी भी कैटलिस्ट को अगर आप किसी रिएक्शन में डालते हैं तो ये कैटलिस्ट क्या करता है इस रिएक्शन के रेट को रेट यानी कि इसकी स्पीड को बढ़ा देता है ठीक है तो अगर आप किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम बढ़ाना चाहते हैं कि ये रिएक्शन जल्दी हो जाए तो उसकी स्पीड को रेट को बढ़ाने के लिए आप किसका इंट्रोडक्शन कराते हैं वहां पर कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो कैटलिस्ट का रोल सिर्फ इतना सा है कि इसे अगर आप किसी भी रिएक्शन में डालेंगे तो उस रिएक्शन की रेट

सपोज हमने क्या किया एंजाइम लिया ठीक है हमने एंजाइम लिया और एंजाइम की रिएक्शन किसके साथ कराई हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसे आप बोलते हैं ई एस यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जो की एक इंटरमीडिएट स्टेट में बनता है ओके उसके बाद जब आगे फर्दर रिएक्शन होती है तो एंजाइम तो आपका एज इट इज बाहर निकल जाता है लेकिन सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था वो किसमें हो गया तो देखो मैंने इससे पहले आपको यही चीज तो बोली कि आपका जो एंजाइम है आपका जो कैटलिस्ट है इन्वॉल्व नहीं होता है कि रेट ऑफ तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बोला होता ये कि जब एंजाइम आपके सब के साथ अप्रोच करता और जो बनाता है ये इंटरमीडिएट आपको है इंटरमीडिएट के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बहुत हाई होती है लेकिन जब भी सबस्टेट के साथ एंजाइम अप्रोच करता है है, तो ये एंजाइम क्या करता है इस एनर्जी को थोड़ा कम कर देता है अगर ये एनर्जी की वैल्यू ये जो ट्रांजिशन जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन खुद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तो ये चीज मैं यहां पे आपको सिंपली रही हूं कि एनर्जी की वैल्यू कम हो गई एंजाइम की वजह से जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई जिसकी वजह से मैंने इसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी शो किया होगा ठीक है इतनी चीज समझ में आई तो इसी चीज को जो मैंने आपको डिफाइन किया इसी को यहाँ पे जस्ट थ्योरी पर लिखा हुआ है अब जस्ट सुनेगा मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर करा रही हूँ ठीक है तो सुनेगा ये क्या बोल रहा है देखो कैटलिस्ट आर द केमिकल कंपाउंड ऑब्वियसली बात है पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है कीमिकल कंपाउंड विच एसिलेट द रेट ऑफ रिएशन जिसका काम क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएशन को एसिलेरेट करना एसिलेट करना मतलब मोस्टली क्या बोल सकते हो अल्टर करना मोस्टली हमारा क्या होता है बढ़ाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ाता है ठीक है अब बढ़ाता कैसे लिखा है बाई डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या बोला एक्टिवेशन एनर्जी में क्या हो जाता है डिक्रीमेंट

कैटलिस्ट का काम जो है वो यही करेगा और मतलब कितने अमाउंट को आपने कैटलिस्ट लिया है वो मैटर नहीं करता ठीक है अमाउंट मैटर नहीं करता है इसका काम मैटर करता है क्लियर हुआ ना तो ये जो मैंने डेफिनेशन बोली जिसके अंदर क्या है मैंने इस तरीके से ये चीज बनाई है कि यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की सारी प्रॉपर्टी आप एक सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं ओके उसके बाद आप बताएंगे कि हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है केमिकल कैटलिस्ट एक होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अब ये होते क्या है इनको भी पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ तब आप उसके बाद थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बताया था कि हमारे पास हम लोग अभी कैटलिस्ट कैटलिस्ट तो कर रहे हैं कैटलिस्ट का काम कहाँ है रिएक्शन

लेकिन बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है तो देखो बायोलॉजिकल रिएक्शन आपके सिर्फ वो रिएक्शन होती है जो किसी बायो बायो मतलब क्या होता है लाइफ जो किसी लाइफ के अंदर चल रही हो जैसे हम लाइफ हैं आप हम एनिमल्स ये सब लाइफ हैं हम सब जिंदा है ना तो हम लोग क्या है सब बायो है तो बायो के अंदर हमारी बॉडी भी तो क्या एक टाइप की मशीन है हमारी बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बोला सेल्स रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या है सेल्स है हम, हम सेल्स ये तो बने हैं और सेल्स के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स हैं तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं और उन सारे फंक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये सारी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन तो वो रिएक्शन जो हमारी बायो के अंदर हमारी लाइफ के अंदर होती है उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन और बॉडी के बाहर हमारे बाहर के एनवायरमेंट में जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब आपकी होती है केमिकल रिएक्शन ओके अब देखो रिएक्शन को आपने क्लासिफाई कर दिया इसी बेसिस पर कैटलिस्ट

तो हमने यहाँ पर को क्या किया देखो यहाँ पे हमने किन का यूज किया मेटल्स का यूज किया है तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कोई भी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है तो उन सारी केमिकल रिएक्शन में आप किसका यूज करते हैं मेटल्स का यूज करते हैं इस वजह से वो क्या है? बनते हैं आपके केमिकल कैटलिस्ट बनते हैं क्लियर हुआ ना इतना कर लेंगे अब आगे बात करते हैं अब देखो बायोलॉजिकल कैटोलिस्ट क्या है ठीक है तो बायोलॉजिकल कैटोलिस्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया सुनिएगा बहुत आसान है ये बोल रहे हैं इन साइड द ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन आकर मैंने अभी आपको बोला हमारे जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर क्या है हमारे बेसिक यूनिट क्या है सेल है हम सब किससे बने हुए सेल्स से बने हुए से और सेल्स के अंदर भी तो डिफरेंट ऑर्गनल है हमारे सेल मेम्रेन हो गई माइट्रोकॉन्ड्री हो गई गॉलगरी बॉडी हो गई तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है और सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गनल्स है ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन तो यहाँ पे यही चीज लिखी है की इन साइड द ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर ठीक है आगे बोल रहा बोला ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन अ लिविंग सेल इज कॉल्ड ए द बायोलॉजिकल रिएक्शन तो वो सारी केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग सेल के अंदर होती हैं उन रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन ना बोल के क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ठीक है थीके? और ये बोल रहा है यहाँ केमिकल मत लिखेगा यहाँ पे लिखेगा ऑल द रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग सेल इज कॉल्ड एट द बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड द केमिकल कंपाउंड या फिर ऐसा लिखेगा केमिकल हटाइएगा इसमें लिखिएगा एंड द कंपाउंड रिक्वायर टू एसरेट और रेगुलेट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या हुआ वो कंपाउंड हुआ जो इन टाइप की ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है इनको एक्सलरेट करने के लिए इनको रेगुलेट करने के लिए रिक्वायर होता है जरूरत होती है इस टाइप के कंपाउंड को ही आप क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं और ये पूरी प्रोसेस तो को आप क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालसिस बोलते हैं तो देखो कितना आसान है कर लेंगे ना आगे क्या लिखा है इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकलिस ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक और एंजाइम कैटलिस्ट तो देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को आप ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोलते हैं और एंजाइम कैटलिस्ट भी बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं बिकॉज एंजाइम एक टाइप का क्या होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है इस वजह से इसे आप एंजाइम कैटलिस्ट भी बोलते हैं ओके okay. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये बोल रहा है एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमने पढ़ा हुआ है एंजाइम भी क्या है एक टाइप के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है दैट ब्रिंग आउट द केमिकल डाइजेशन ऑफ अ फूड तो देखो ये बोल रहा है हमारी बॉडी के अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं खाना खाते हैं तो हमारे खाने को डाइजेशन के लिए डाइजेशन ऑफ अ फूड क्या है एक टाइप की प्रोसेस तो है एक टाइप की रिएक्शन ये तो है तो ये एक टाइप की क्या है बायोलॉजिकल रिएक्शन है और इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सिलेट करने के लिए यानी कि हमारे खाने को देखो हमारा खाना हम लोग ऐसे बोलते हैं ना किसी का खाना पच नहीं रहा है पच नहीं रहा है क्यों हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टाइप के बोल सकते हो कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है तो वही चीज तो है हमारे बॉडी के अंदर जो खाना पच रहा है जो डाइजेस्ट हो रहा है हमारे अंदर फूड वो भी तो एक रिएक्शन से ही हो रहा है तो उस रिएक्शन को एक्सिलेट करने के लिए हमारी

Thank <laughs> you. विदाउट अंडरगोज अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज तो कैटलिस्ट क्या होते हैं तो ये बोले कैटलिस्ट आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो कि, कि किसी भी रिएक्शन के रेट को तो इंक्रीज करते हैं लेकिन उनमें कभी भी क्या कोई भी परमानेंट केमिकल चेंज नहीं आता मैंने जैसे बोला जैसे आपके थे वो एज इट इज आपको रिएक्शन के बाद मिल जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड को ऐसे सब्सटांस को आप क्या बोलते हैं कैटेस ओके लेकिन एंजाइम क्या होता है तो लिखा हुआ है एंजाइम आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे आपके कैटलिस्ट क्या होता है केमिकल कंपाउंड होते हैं वैसे एंजाइम आपके क्या होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं खुद ब खुद लिविंग बॉडी के अंदर आपको बाहर से डालने की जरूरत नहीं हमारी बॉडी ही जितने एंजाइम्स हैं ये पेप्सिन वगैरह एम वगैरह की हमारे बॉडी ही खुद बनाती है तो ये लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को उन्हीं को आप क्या बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं जिनका काम क्या होता है ये अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन एट अ बॉडी टेम्परेचर तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो एंजाइम होते हैं ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन को ही मेंटेन करते हैं ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर तो देखो तो कितनी सारी रिएक्शन चल रही है अब उन सारी रिएक्शन को कोई भी कंपाउंड जाके मेंटेन कर रहा है रेगुलेट कर रहा है ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं ना इनमें स्पेसिफिसिटी होती है स्पेसिफिसिटी मतलब कि ये स्पेसिफिक होते हैं कि अगर ए एंजाइम है तो ये ए टाइप की रिएक्शन को रेगुलेट करेगा बी एंजाइम है तो ये बी टाइप के रिएक्शन को कोट एस, करेगा या फिर आप बोल सकते हो रेगुलेट करेगा ऐसा नहीं है कि ए ने आपके बी के रिएक्शन को एसुलेट कर दिया बी ने आपकी ए की रिएक्शन को एसोलेट कर दिया ऐसा नहीं होता सब में स्पेसिफिसिटी है यानी कि जो जिस काम के लिए बनाए वो ही काम करेगा दूसरा काम वो नहीं करेगा और साथ ही साथ ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी बॉडी टेम्परेचर पर ही होती है हायर टेम्परेचर पे नहीं होते हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी टाइम पे तो सारी रिएक्शन प्रोसीड होंगी तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो डिफरेंस किस चीज का है डिफरेंस बस इतना है कि क्या

कैटालिस्ट होता है क्योंकि मिनरल आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल होता है तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा कि कैटालिस्ट आपके क्या है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है यानी कि मेनमेड है तो ये किससे बने होते हैं मेटल से बने होते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड से बने होते है, हैं है. तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि सो सॉरी सो सॉरी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके जो कैटलिस्ट है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं और किससे बने होते हैं ये आपके मिनरल आयन भी भी हो हो सकते सकते हैं हैं ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, हो हैं, हो हैं। और साथ ही साथ ही अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इनको स्मॉल मॉलिक्यूल कहेंगे अब देखो ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बताई थी कि एंजाइम आपके एक टाइप के क्या होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं क्यों होते हैं बिकॉज देखो एंजाइम जो होते हैं वो एक टाइप के प्रोटीन होते हैं हमने लास्ट लेक्चर पर पढ़ा था और अगर आप प्रोटीन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि प्रोटीन एक टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं मैक्रो मोलिक मतलब मॉलिक्यूल का मैक्रो फॉर्म मैक्रो फॉर्म मतलब होता है बड़ा फॉर्म तो मॉलिक्यूल को जब आप बड़ा कर देते हैं तो वो बन जाता है और का एक क्या, है? Enzyme. Enzyme भी तो क्या है एक टाइप का प्रोटीन है तो एंजाइम एक टाइप का नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, एक का है. तो यहाँ पे लिखा है एंजाइम इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि एंजाइम एक बहुत बड़ा प्रोटीन होता है तो ये जैसे आपके कैटलिस्ट है स्मॉल मॉलिक्यूल

ये बोल रहा है अगर आप इनका एक्शन देखेंगे तो ये एक टाइप के एक्ट करता है फिजिकल रिएक्शन पे लेकिन एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन पे एक्ट करता है तो ये भी हमको पता था जितनी भी फिजिकल रिएक्शन है हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उन सारी रिएक्शन को आप फिजिकल रिएक्शन ही तो बोल सकते हैं क्योंकि हमारा एनवायरमेंट क्या है फिजिकल एनवायरमेंट है तो फिजिकल रिएक्शन जितनी भी हमारे एनवायरमेंट में हो रही है उन सबको आइसोलेट करने का काम हमारा कौन करता है कैटलिस्ट करता है लेकिन जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनको आइसोलेट करने का काम कौन करता है एंजाइम करता है ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज एफिशियफिशिय

आपकी कैटलिस्ट में भी स्पेसिफिसिटी होती, होती है लेकिन की में कम होती है आपकी कैटलिस्ट में ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो ये बोल रहा है, कैटलिस्ट, जो होते है, of, uh, ये है एक कैटलिस्ट अगर आपके पास है सपोज सी अगर आपके पास है तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन को एसुलेट कर सकता है ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक ही रिएक्शन होगी एक सिंगल कैटलिस्ट क्या है नंबर ऑफ रिएक्शन में यूज किया जा सकता है एज अ कैटलिस्ट और रेगुलेट कर सकता है एक सिंगल कैटलिस्ट है नंबर पावर रिएक्शन को लेकिन जो आपका एंजाइम है एक पर्टिकुलर एंजाइम E1 है तो ये पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को ही एक्सिलेट करेगा उसी को रेगुलेट करेगा ठीक है यहाँ पर वही चीज लिखा है कि एंजाइम कैन ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम में स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कैटलिस्ट होती कैटेस्ट में भी ऐसा नहीं कि कैटेलिस्ट में स्पेसिफिसिटी नहीं होती कैटलिस्ट में भी स्पेसिफिसिटी होती है लेकिन एंजाइम से कम होती है क्लियर हुआ ना स्पेसिफिसिटी तो समझ गए ना कि एक रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के थ्रू ही चलेगी ठीक है लेकिन के केस में ऐसा नहीं होता एक सिंगल कैटलिस्ट क्या अलग अलग रिएक्शन में आप देखते हैं यूथ होता है लेकिन एंजाइम के केस में ऐसा होता है एक एंजाइम है तो वो एक ही रिएक्शन को एस्टुलेट करेगा एक से ज्यादा रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम एक सिंगल एंजाइम का नहीं है ओके अगला है रेगुलेटर मॉलिक्यूल रेगुलेटर मॉलिक्यूल मतलब क्या होती?

को बढ़ा सकते हैं आसान था अगला है टेम्परेचर टेम्परेचर में क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक फंक्शन एट टेम्परेचर एंड दे आर नॉट सेंसिटिव टू द स्मॉल टेम्परेचर चेंज वाइल द एंजाइम ऑपरेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एट अ लो टेम्परेचर दे आर इनएक्टिव एंड एट अ हाई टेम्परेचर दे आर डी ने तो देखो कितना आसान है ये बोल रहा है कि जो आपका कैटलिस्ट होता है ना ये क्या होता है जनरली जो फंक्शन करता है वो हाई टेम्परेचर पे ही करता है आपको रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो आपने रिएक्शन में टेम्परेचर को क्या करना होगा हाई रखना होगा ओके okay? और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज भी कर देते हैं सपोज आपने थोड़ा टेम्परेचर में चेंज कर दिया तो थोड़े से चेंज में आपका कैटलिस्ट का बिहेवियर भी चेंज हो जाए ऐसा नहीं होता है आप थोड़ा मतलब आप बोल सकते हो कि कैटलिस्ट जो है वो टेम्परेचर

और अगर टेम्परेचर आप हाई कर तो वो आपका क्या हो जाएगा हो जाएगा अपने नेचर को अल्टर कर देगा क्लियर हुआ तो ये टेम्परेचर का फैक्टर हुआ लास्टली क्या पीएच का फैक्टर भी देख लेते हैं तो पीएच के बोरे-बोरे कैटलिस्ट जो होते हैं नॉट सेंसिटिव टू द स्मॉल चेंज इन पीएच तो वही है टेम्परेचर वाला फैक्टर है, है कि ये जो पीएच होता है ना अगर आप पीएच को चेंज कर रहे हो किसी भी रिएक्शन में तो होगा क्या कैटलिस्ट के ऊपर चेंज नहीं आएगा पीएच चेंज करो टेम्परेचर चेंज करो कैटलिस्ट आपका एजेट इज रहेगा लेकिन एंजाइम आपके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ये क्या करता है स्पेसिफिक 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 पीएच पीएच पे पे ये ये अपना रिएक्शन रिएक्शन करेगा जैसे पे ये करता था वैसे इसको चाहिए उसी पर्टिकुलर पीएच रेंज पे आपका एंजाइम एक्शन में रहेगा लेकिन अगर आप पीएच को चेंज कर देंगे तो आपका एंजाइम भी अल्टर हो जाएगा चेंज हो जाएगा समझ में आया तो ये क्या था कुछ मैंने आपको फैक्टर्स बताया जिसके बेसिस पे आप अपने एंजाइम और कैटलिस्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि देखो दो

इन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी तो वो ही चीज है कि दोनों कैटलिस्ट हो चाहे आपका एंजाइम हो इन दोनों का सेम काम है ये क्या करता है किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है ओके सेकंड पॉइंट क्या लिखा ये है ये बोर्ड है बोथ कैटलिस्ट एंड एंजाइम आर नॉट चेंज बाय द रिएक्शन तो ये चीज हो गया कि रिएक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे जो आपका कैटलिस्ट और एंजाइम था वो आफ्टर रिएक्शन भी आपको हो बु एज इट इज आपको मिल जाएगा तो दोनों में चेंज नहीं आता है ओके तीसरी चीज बोल बोर्ड बोथ कैटलिस्ट एंड एंजाइम टेम्परली बाइंड टू देयर सबस्ट्रेट तो वही चीज है हमने जैसे रिएक्शन मैंने आपको ऊपर दिखाई थी कि जब भी आप रिएक्शन कराते हैं इसमें जो आपका सबस्ट्रेट होता है इसके साथ आपका चाहे आप कैटलिस्ट लो चाहे आपका एंजाइम लो ये क्या करता है सबसे पहले स्टेप में आपके सबस्ट्रेट के साथ आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बनाता है लेकिन ये बॉन्ड आपका क्या है टेम्पररी है क्यों है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो अगले स्टेप में क्या हो रहा है ये बॉन्ड टूट जा रहा है और एंजाइम आपका बाहर निकल जा रहा है सबस्ट्रेट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वही चीज लिखा है कि कैटलिस्ट और एंजाइम क्या होता है टेम्परेरी बॉन्ड से आपका जुड़ते हैं किसके साथ सबस्ट्रेट के साथ दोनों का काम बिल्कुल सेम है दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है ओके

और काफी सारे मैंने इनके बीच में डिफरेंस आपको बता दिए तो ये चीज बनती है आपके केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के, के अंदर क्लियर हुआ अब केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट समझ तो आ रहा है ना यही चीज है ये जो कैटलिस्ट है ये आपका केमिकल है जो आपका एंजाइम है ये आपका क्या है बायोलॉजिकल है दोनों के बीच में मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया इस, इनकी सिमिलैरिटीज भी बता दी दोनों को सेपरेटली डिफाइन भी कर दिया ओके तो बस होप आपको ये चीज क्लियर आई होगी इतना मतलब है ठीक है तो बस इतनी चीज है हमारे आज के लेक्चर पे तो लेक्चर को अभी हम यहीं पर फिनिश करते हैं अगर आप लेक्चर पर नए होंगे तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए तो जाइएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय